हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको पुत्रदा एकादशी श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी की पूजा विधि और महत्व बताती हूँ। व्रत कथा अगली वीडियो में सुनाऊंगी। वैसे तो साल की हर एकादशी अलग होती है, बस पुत्रदा एक ऐसी एकादशी है जो साल में दो बार आती है, एक बार पौष मास में और दूसरी श्रावण मास में। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर या जनवरी के महीने में आती है, जबकि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। दोनों ही एकादशी संतान कामना और संतान की उन्नति चाहने वालों के लिए बहुत लाभकारी है। जिन लोगों को जीवन में पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती वो थोड़ा परेशान रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी विधान है कि अंतिम क्रिया और श्राद्ध आदि कार्य पुत्र द्वारा होने चाहिए। हम कहते हैं कि पुत्र हो या पुत्री, संतान जीवन में जरूर होनी चाहिए। इसलिए ही संतान सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए अमोघ बताया गया है। साथ ही इस व्रत से संतान को होने वाली किसी भी समस्याओं का निवारण भी सरलता से हो जाता है। यह माना जाता है कि यदि कोई निसंतान दंपति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है और पूरी प्रक्रिया का सही ढंग से पालन करता है, पूरे विधि विधान से व्रत के नियमों को निभाता है, तो उसे जरूर ही संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के खुद के भी सभी पाप खत्म हो जाते हैं और उसे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। ये एकादशी बहुत महान और फलदायी है। इस एकादशी का पुण्य फल हमारी संतान के भाग्य और कर्म को उत्तम बनाने में सहायक होता है। जिस किसी भी दंपति को संतान प्राप्ति करने में दिक्कत आती है उसको यह व्रत जरूर करना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति या उससे संबंधित किसी इच्छा को पूरा करने के लिए यह व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी व्रत के दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी और श्री नारायण की उपासना करें, उनकी पूजा करें। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य स्वयं और उसकी संतान दोनों ही तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होते हैं। ये भी मान्यता है कि इस व्रत और पूजन के प्रभाव से संतान पर आने वाले सभी कष्टों से उनकी रक्षा होती है। अब हमारे पास एक प्रश्न आ रहा है जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि वो वैसे तो एकादशी व्रत करते नहीं, पर पुत्र कामना से उन्होंने पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। अब उनका प्रश्न है कि क्या वो श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का भी व्रत करें? उत्तर में हम कहेंगे बिल्कुल करो। इस व्रत से संतान पर आ रहे कष्टों से मुक्ति मिलती है। जिन्हें संतान ना हो उन्हें संतान प्राप्ति का वर मिलता है। इसलिए जो लोग सभी एकादशी का व्रत नहीं करते वो अपनी संतान की उन्नति और सेहत के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। पर कोई साधक जिसने पौष पुत्रदा एकादशी का संकल्प लिया है, उसकी अपनी इच्छा है कि वो श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करे या ना करे, पर आपको बता दूं ये बहुत फलदायी व्रत है, इसलिए सबको करना ही चाहिए। अब आपको श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। अपनी हर वीडियो में कहती हूँ जो एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी एकादशी की पूजा जरूर करनी चाहिए, कथा जरूर सुननी चाहिए, इसका बहुत उत्तम फल होता है। अब विधि क्या है उस पर चर्चा करते हैं। देखो, एकादशी के साथ ही दशमी और द्वादशी भी बहुत पुण्य दिवस होते हैं, इसलिए दशमी और द्वादशी को भी नियम पालन जरूर करें। व्रत रखने वाले को दशमी के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करें एक समय, सूर्यास्त होने के बाद कुछ भी अन्न ना खाएं। अगर रात को नहीं होता तो रात को आप फ्रूट और दूध ले सकते हैं। रात को जमीन पर सोए ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शुद्ध जल से स्नान करें, नहाने के पानी में गंगा जल और तिल मिला लें, साफ कपड़े पहनें, नहाने के बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं, घर के मेन गेट पर जल छिड़के और हल्दी से गेट के दोनों तरफ सतिये बनाएं, फिर पूजा की तैयारी करें, बढ़िया प्रसाद तैयार करें, पूजा के लिए सारी सामग्री जैसे पंचामृत स्नान के लिए फूल फल आदि इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा कर ले, फिर पूजा शुरू करें। इस दिन बाल गोपाल की पूजा का विशेष महत्व है। अगर सेवित शिव विग्रह है लड्डू गोपाल जी, युगल जोड़ी राधा कृष्ण की, राम दरबार या शालग्राम जी, तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। अगर कोई भी नहीं है और आप तस्वीर की पूजा कर रहे हो तो उस पर पंचामृत के छींटे मारो और फिर साफ कपड़े से तस्वीर को पोछो।
सेवी जी विग्रह को स्नान के बाद वस्त्र आदि धारण करवाकर उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करो। भगवान लक्ष्मी नारायण के समक्ष व्रत का संकल्प लो। अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लो, फूल ले लो और दक्षिणा ले लो और बोलो, हे भगवान, आपकी कृपा और प्रेरणा से मैं ये महान एकादशी व्रत कर रही हूँ। कृपया मुझे शक्ति दो, मेरे व्रत को पूर्ण करवाना। हे प्रभु, आप मेरे पालक हो, मेरे रक्षक हो, मेरे मन की इच्छा जानते हो, इसलिए कृपया करके मेरे मन की इच्छा को पूरी करना। मुझे और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना और अपनी शरण में रखना। ऐसा कहने के बाद हाथ का जल उनके समक्ष छोड़ दो। उसके बाद उन्हें सुंदर पीले पुष्प अर्पित करो, तुलसी दल अर्पित करो, धूप दीप नैवेद्य, ऋतु फल यानी मौसम के अनुसार कोई भी उत्तम फल हो गया, आम हो गया, केला हो गया, वो अर्पित करो, तिल, नारियल, बेर, आंवला, लौंग, पान और सुपारी आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करो। पीले मिठाई का भोग लगाओ। पीली मखाने की खीर सबसे उत्तम होती है। गाय के घी का दीप प्रज्वलित करो। पूजन के बाद व्रत कथा जरूर सुने, आरती और अर्चना करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद अंत में श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा याचना करो। जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं या जो गर्भवती स्त्रियां हैं, वो रोज नियम से संतान गोपाल सूत्र का पाठ सुने या पढ़े। जल्दी ही आपको संतान गोपाल सूत्र पाठ का वीडियो दूंगी। आप रोज नियम से इस सूत्र को सुने और भगवान कृष्ण के सामने अपनी प्रार्थना सच्चे दिल से रखें। शाम को तुलसी महारानी की पूजा भी जरूर करें, दीपदान भी जरूर करें। अगर संभव हो तो साधक को ये व्रत निराहार रहकर करना चाहिए। अगर आप निराहार नहीं रह सकते तो व्रती संध्या काल में दीपदान के बाद फलाहार कर सकते हैं। इस दिन दीपदान करना बहुत अच्छा, बहुत शुभ होता है। अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, एकादशी का व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए, किसी से द्वेष, लड़ाई झगड़ा या क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा ना करें। ये सब बुरे कामों को मैं हर आपको एकादशी पे याद दिलाती हूँ। याद दिलाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि एकादशी पर किए गए किसी भी बुरे काम का फल हमें बहुत ज्यादा मिलता है, तो इसलिए स्पेशली एकादशी पे ध्यान रखें। एकादशी की रात को जागरण और भजन कीर्तन करने का बहुत महत्व है, कई गुना अधिक फल मिलता है। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उनसे आशीर्वाद लें, दक्षिणा देके उन्हें खुश करें, फिर अपने व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का। इस प्रकार नियम पूर्वक जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उनका व्रत सफल होता है और उनके मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। अगर कोई दंपति है जो संतान की इच्छुक है या जो चाहते हैं कि भगवान उनकी संतान को दीर्घ आयु दे या भगवान उनकी संतान की रक्षा करे, उसकी सभी परेशानियों को का निवारण करे, उस दंपति को भगवान की आराधना पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर कोई साधक जो सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते, वो सिर्फ संतान प्राप्ति की इच्छा से पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ कि उस दंपति को क्या जरूर ही करना चाहिए। देखो, संतान की इच्छा के लिए पति पत्नी दोनों को सुबह के वक्त भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना जरूर करनी चाहिए। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि पति पत्नी दोनों को पूजा करनी है। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। पीले चीजों का जरूर इस्तेमाल करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। पहले भी बता चुके हूँ, 40 दिन का नियम ले। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी दोनों को शुद्ध भाव से व्रत नियम का पालन करना चाहिए। गरीबों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे और उन्हें भोजन कराए। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग जरूर लगाए। ओम कलिम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 108 बार दोनों मिलकर जाप करें। पूजा के बाद पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करें। यदि निसंतान व्यक्ति ये व्रत पूरे विधि विधान से और श्रद्धा से करता है तो उसे संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा को सुनने और पढ़ने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, वंश में वृद्धि होती है और मनुष्य सभी सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण शुक्ल एकादशी पर सिंघाड़ा के फलाहार से हमें अजगर की योनि से मुक्ति मिलती है। सिंघाड़े का फल भी आता है और उसका आटा भी आता है, इसलिए अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे हो तो फलाहार में सिंघाड़ा जरूर लें। आप चाहो तो सिंघाड़े का फल खा सकते हो या सिंघाड़े के आटे की पूरी या हलवा वगैरह बनाकर वो खा सकते हो। गुड़ का दान और गुड़ का सेवन भी बहुत अच्छा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें।
एकादशी कथा अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।